In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, बात करेंगे Lord Pitchell's की preparation के बारे में. आज lecture 5 के साथ अब्दुल रहमान यासिन आपकी खिदमत में हाजिर है. गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल माजरत हुआ हूँ, टाइम ले रहा हूँ. जो lecture 1 है, lecture 2 है, lecture 3 है, lecture 4, इसको कैसे सुने सर? सर्च नहीं हो रहा सिंपल, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा. सिंपल सर्च में जाएँ, सर्च में लिखें लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन या फिर लैट टेस्ट प्रिपरेशन lecture 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, lecture 2 लॉ एडमिशन प्रिपरेशन बाय अब्दुल रहमान यासीन, लॉ एडमिशन प्रिपरेशन lecture 4 बाय अब्दुल रहमान यासीन. जो भी लेक्चर है ना मेरा, उससे पहले लिखो लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन, फिर लिखो लेक्चर का जो नेम है. जो 2 सुनिए तो 3 सर्च कर लें, एंड पे बाय अब्दुल रहमान यासीन, फिर मेरा लेक्चर सर्च होगा, अदरवाइज सर्च नहीं होगा. तो ये आपने देख लेना है, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे. आज हम स्टार्ट करें lecture 5. lecture 5 में हम बात करेंगे इंग्लिश की. इंग्लिश का जो 20 नंबर का पोर्शन है, ये हाई अहमियत का हामिल है. इसमें से 10 नंबर के जो रटे हैं भाई, 10 नंबर का आप लगाओगे रटा, 10 नंबर है कॉन्सेप्चुअल, 10 नंबर मेरी वीडियोस के साथ हैं. मेरी वीडियो सुनो, 10 नंबर आपके पक्के. 10 नंबर का रटा मैं खुद बता रहा हूँ, रटा 10 नंबर का, 10 नंबर का हाई रटा. सेनोनिम और एंटोनिम का रटा है भाई, लेकिन ये रटा 10 नंबर का नहीं आएगा, ये रटा आएगा 5 नंबर का. 5 नंबर का फिर कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि जो आपका है ना वो पैटर्न के मुताबिक. तो भाई 10 नंबर का रट्टा है, 10 नंबर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैटर्न को फॉलो नहीं करता एचईसी. पैटर्न को वॉयलेट करता है, कुछ चीज़ें नहीं डालेगा जो पैटर्न में नहीं है. तो उस लिहाज से मैं देखता आ रहा हूँ सारे टेस्ट में, देखता हूँ सभी को टेस्ट को, तो 5 नंबर का रट्टा हो जाएगा. 5 नंबर फिर कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे, वो मैं करवा दूँगा यहाँ पर वीडियो में. लेकिन पैटर्न की किताबी बात करें तो 10 नंबर मेरी वीडियोज़ सुनने से आपको आ जाएंगे. 10 नंबर का आपने रटा लगाना, रटा कहाँ से लगाएं सर? रटा लगाने के लिए आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगा, कहाँ से वो मैं वेबसाइट भी आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है? अब आपने करना क्या है? करना आपने सिंपल ये है कि अभी हम 10 नंबर की प्रेपोजिशन करेंगे, ठीक है, और 5 नंबर के आगे टेंसेस करेंगे. ये 15 नंबर हो जाएंगे. 5 नंबर रहेंगे रटे, वो आपको बता दूँगा कहाँ से करने हैं. अभी जो प्रेपोजिशन जो है ना 10 नंबर की आनी है. अब ये 10 नंबर की जो प्रेपोजिशन है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे कम से कम लेक्चर बनाऊँ. वीडियो लंबी हो जाए लेकिन लेक्चर, लेकिन फिर भी 3 से 4 लेक्चर हो जाएंगे. ये 3 से 4 लेक्चर सुनने से अगर आपके 10 नंबर आ जाए तो इसमें घाटा तो नहीं है, सुधा घाटे का नहीं है, लेकिन टाइम चाहिए, ठीक है. प्रेपोजिशन का करते हैं आगाज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्रेपोजिशन क्या है? ये प्री पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन, ये प्रेपोजिशन है भाई, ये तो वर्ड है. प्रेपोजिशन क्या है? पी आर ई प्री, प्री मीन प्री 9, प्री 10, प्री फर्स्ट ईयर, प्री सेकेंड ईयर, हम पढ़ते आए हैं. प्री मीन पहले ही 9वीं क्लास पढ़ लो, पहले ही 10वीं में पढ़, प्री पहले. पोजिशन तो आप समझते हैं, पोजीशन तो आप बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं. पोजीशन क्या होती है? पोजीशन मीन लोकेशन. कोई भी चीज़ अपनी जगह, प्री पोजीशन अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं. अपनी जगह से पहले आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं. ये तो है मोटा मोटा मायनी, देसी मायनी. अब अंदर क्या है इसके अंदर क्या है वो देखते हैं. बड़ा अहम चीज़ है प्रेपोजिशन. जिस तरह के प्रेपोजिशन का काम होता है, मेरे लेक्चर यही लेक्चर मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मौजूद होंगे, लेकिन चूँकि एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ तो ये लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है. शायद आपने ये पहले सुन लिया हो किसी दूसरी वीडियो में, सेम यही कंटेंट सीरीज है तो फिर सुनना पड़ेगा आपको. प्रेपोजिशन ये है, आई एम मैं हूँ, द क्लास क्लास है, क्लास अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ. लेकिन मैं अगर कहूँ आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, ये जो इन है ना, इन है, इसने ये वाले अल्फाज की मेरी, और वो अल्फाज से होंगे कि कुछ अल्फाज होते हैं इधर, कुछ अल्फाज होते हैं इधर. अब इधर वाले अल्फाज और इधर वाले अल्फाज, ये दोनों कवाड़े होते हैं. इनमें कोई ऐसा बंदा आता है ऊपर से जो उनकी मंगनी करवा देता है, इधर वाले अल्फाज को पकड़ना, इधर वाले अल्फाज को पकड़ना, बीच में खुद आके पैचअप करवा देना. ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है. ये रिश्ता कराने वाली क्या करती है? रिश्ते कराने वाली कहती है भाई टाटा मुंडा है इन्हें कुड़ी और रिश्ता कर लो, वो खानदान बन जाता है. प्रेपोजिशन का काम भी यही है. प्रेपोजिशन क्या करती है? आई एम ये वर्ड था लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं था. आई एम मैं हूँ, द क्लास क्लास भी कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन इन आया, इन्हें कहा मैं आता हूँ इधर आओ, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, लो जी सेंटेंस बन गया. तो इन प्रेपोजिशन क्या करती है? ये सेंटेंस को बनाती है. ये इसमें कोई ऐसा किरदार अदा करती है जो रिश्ते कराने वाली आंटी किरदार अदा करती है. अब प्रेपोजिशन है कौन कौन सी, इसको समझना पड़ेगा. तो आज कोई हम कोशिश करेंगे कोई 10-12 प्रेपोजिशन कवर कर दें इस वीडियो में, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे ओन को, ओन ओ एन ओन, ओन प्रेपोजिशन है. आई एम ऑन मरी, नहीं ये नहीं है, ये मैं गलत बता रहा हूँ.
लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि चीज़ क्या है अंदर। आई एम ऑन कॉल, आई एम ऑन फोन, डैश डैश एंड डैश, ओन पढ़ते हैं। ओन के तीन इस्तेमाल हैं, कितने इस्तेमाल हैं उनके? तीन इस्तेमाल हैं। कौन कौन से हैं? पहला इस्तेमाल पढ़ते हैं। अगर मेरी मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो ये आप ऐसा कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ ही बोलता हूँ। सेटिंग में जाकर वहाँ पर ऑप्शन आएगी नॉर्मल लिखा होगा, स्पीड लिखा होगा, स्पीड पर जाकर आप स्पीड स्लो करके मेरी वीडियो देख लें, शायद आपको अच्छी समझ आ जाए। क्योंकि बाद लोगों को मैं तेज़ बोलता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती कि तेज़ बोली जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा ये भी है कि आपकी वीडियो जल्दी करो जाती है, आप जल्दी सुन लेते हैं, टाइम बचाता है। उनका इस्तेमाल, उनका तीन इस्तेमाल है। उनका पहला इस्तेमाल क्या है? कोई भी चीज़ किसी सर्विस के ऊपर पड़ी हो तो क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। ये मोबाइल है, ये मोबाइल पड़ा है, ये टेबल पर रख दिया मैंने मोबाइल, ये एक ऑब्जेक्ट है, टेबल पर रख दिया। कोई चीज़ किसी सर्फेस के ऊपर पड़ी हो तो ओन लगाते हैं। ये सर्फेस के ऊपर पड़ी है, इसका मतलब क्या है? मिसाल ले लो, ये टेबल है, मिसाल ले रहा हूँ, यह हाथ है मेरा, मिसाल ले लो ये टेबल है, मैंने टेबल पर रखा मोबाइल। अब सरफेस तो टेबल तो सारी पर भरा होगा, ये ऑब्जेक्ट है भाई। ऑब्जेक्ट जो होता है ना छोटा होगा, लेकिन जो जिसके ऊपर रखा होगा वो सरफेस, सरफेस भरा होना चाहिए। टेबल इतना भरा, फोर एग्जाम्पल मिसाल, टेबल बहुत भरा, ये टेबल है, मैंने इसमें मोबाइल रख दिया, मैंने मोबाइल एक सर्फेस पर रख दिया। तो कोई चीज़ किसी सर्फेस पर पड़ी हो क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। द मोबाइल इज़ ऑन द सर्फेस, मैंने मोबाइल को रखा यू बेड पे, माई मोबाइल इज़ ऑन द बेड। एक मेरे पास ये बुक पड़ी है, एलिमेंट ऑफ लैट के ऊपर मैंने रख दिया पेन, ये भी इसको पेन समझ लें आप। माई पेन इज़ ऑन द बुक, क्योंकि बुक के सरफेस है, ऊपर पेन रखा है, पेन छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, सरफेस बड़ा है, पेन इज़। कोई भी चीज़ किसी सरफेस पर पड़ी हो, फुटबॉल इज़ ऑन द बेड, कप इज़ ऑन द टेबल, कोई चीज़ किसी सरफेस पर पड़ी हो तो ऑन लगा दो, पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, उनका दूसरा इस्तेमाल क्या है? कैलेंडर में होती हैं चार चीज़ें, साल महीने ईयर्स और डे, डे डेट ईयर्स एंड मंथ, डे और डेट। अब डेट कौन सी होती है? डेट होती है 1, 2, 3 एक से लेकर 31 तक एक डेट भी होती है, ये डेट है, एक डेट भी होती है, ये डेट है, डेट होती है 1 से लेकर 31 तक। अब ये नहीं होता, बाद को ना माइए और बाबे बैठ के आ रहे हैं, सन 1945 ही डेट सी भाई, वो डेट नहीं होती, 1947 ये एक साल है और डेट 31 होती हैं बस, डेट नहीं। उसको मैं आसान करता हूँ, तारीखें, क्योंकि बाद लोग गलत समझ लेते हैं, उधर चले जाते हैं वो। तारीखें 31 होती हैं, दिन कितने होते हैं? मई का 14वां दिन नेगा सी भाई, 14 दिन 14 तारीख है, दिन 7 होते हैं बस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मेरा माइंड भी जो है ना वो मैं भी भूल रहा हूँ। लाइक खैर वापस आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओह माय गॉड, पीर मंगल बुध जुमरा जुम्मा हफ्ता इतवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये क्या है जी? ये हमारे 7 दिन हैं। अब दिनों के लिए और तारीखों के लिए, दिनों के लिए और तारीखों के लिए, डेज के लिए और डेट्स के लिए, आप डे और डेट के लिए आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। माय बर्थडे इज ऑन 28 मई, 28 क्या है? डेट है, हमने पढ़ा। डेट का क्या लगाना है? ऑन लगाना है। कायद आजम सक्सीड, कायद आजम कामयाब हो गए कब? इन 1947। अब 1947 क्या था? एक ईयर है, ईयर्स और मंथ के साथ क्या लगाना है? इन लगाना है। डे और डेट के लिए आपने ऑन लगाना है, ठीक है। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा कब? ऑन संडे, संडे तो डे है, डे के साथ हमने ऑन लगाना है। क्या मैं डे ऐसा हो सकता है आई विल मीट यू इन मंडे? नहीं भाई, मंडे डे है, डे के साथ और डेट के साथ ऑन लगता है। आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन 31 जून, 31 तो डेट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, सर सवाल ये है, डे और डेट तो एक हमने समझ लिया, ये इनके साथ ऑन लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हो जिस तरह के अभी आपने बोला माय बर्थडे इज़ ऑन 28 मई, अब मई तो साथ जो है ना वो ये मंथ है, मंथ के साथ तो इन लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए डे और डे साथ तो लगता है ऑन, ईयर्स साल और महीने इनके साथ लगता है इन, लेकिन अगर ऐसा हो माय बर्थडे इज़ ऑन 28 मई, अब 28 डेट है, मई मंथ है, मंथ और ईयर के साथ लगना है इन, डे और डेट साथ लगना है ऑन। अब ये 28 मई यानी कि इन भी आ गया बीच में, मई के साथ इन आना है, 28 जो डेट है इसके साथ ऑन आना है। अब इन लगाएं या ऑन लगाएं? माय बर्थडे इज़ ऑन 28 मई या माय बर्थडे इज़ ऑन इन 28 मई, क्या लगाएं? सुने,
तो जब भी ऐसा हो कि आपका डे भी साथ आ जाए, डेट भी साथ आ जाए, ईयर और मंथ भी साथ आ जाए, आपने ईयर और मंथ को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। आप अगर तो डे या फिर डेट या फिर दोनों लिखे हुए हैं, महीने लिखे हैं या महीने नहीं लिखने, गोली मारो, महीने लिखे हैं या नहीं लिखे छोड़ो, आपने उन लगाना है। ये जो ईयर्स और मंथ हैं ना छोटे हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये डे और डेट्स हैं ये छोटे हैं, मंथ और ईयर बड़े हैं, भरों को छोड़ो, ईयर्स और मंथ बाद इसको नहीं हमने फोकस करना। अगर तो डे और डेट किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ आ गया तो हम ऑन लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं? लॉ है, नहीं लगाना आपने। अगर ऐसा हो कि डे भी नहीं लिखा, डेट भी नहीं लिखा हुआ, जैसे कहा जाए तुम सक्सीड डैश 1947, अब 1947 लिखा है ना, डे लिखी है ना डेट लिखी है, क्या 1947 क्या है, ईयर है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, फिर हम ऑन ही लगाएंगे। खाली ईयर और मंथ लिखा हो तो इन लगा दो, खाली डे और डेट लिखी हो तो ऑन लगा दो, इकट्ठे आ जाएँ तो इन अपना ऑन लगा दो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे चलते हैं। ऑन का इस्तेमाल कौन सा है जी? ऑन का तीसरा इस्तेमाल, आप इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं? मोबाइल पे देख रहे हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किस पे कर रहा हूँ? कैमरे पे कर रहा हूँ। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैमरा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप मूवी देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवी किस पे देख रहे हैं? टेलीविजन पे देख रहे हैं। टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ काम कर रहे हों तो क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। आई रिकॉर्ड माई वीडियो ऑन कैमरा, यू वॉच माई वीडियो ऑन मोबाइल, I am on call, I am on phone, I work on PC, I watch movie on television. Television electronic device है, camera electronic device. मैं phone पे हूँ, I am on phone, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं phone पे बैठा हूँ, जैसे हमने कहा कोई चीज़ किसी सर्विस पे पड़ी हो तो on लगा दो, मैं phone पे बैठा हूँ, नहीं, ये वो अदर यूज़ था, ये यूज़ अदर है, ये कोई और यूज़ है कि आप किसी electronic device के साथ होते हैं तो आप क्या लगाते हैं? On लगाते हैं। I work on PC, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो आपको उसके साथ काम करने हैं, लिंक में है, रिलेशन में है, तो क्या लगा दो? ऑन लगा दो। आई वर्क ऑन PC, आई वर्क ऑन लैपटॉप, आई एम वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन, तो टेलीविजन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कर दो। बैटरी लो हो रही है तो बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम कोशिश करें जल्दी कवर करें इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे नई प्रपोजिशन के साथ। ऐड कब लगाना है? ऐड अब लगाना है जब, कब लगाना है ऐड? लगाना है जब भी टाइम की बात होगी, जब भी टाइम की बात हो क्या लगाओ? ऐड, ऐड लगा दो। ही कम्स, वो आ रहा है, कब? एट 10 o'clock, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे तो टाइम है, टाइम के साथ ऐड लगा दो। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा कब? एट 10 o'clock। क्लास विल बी हेल्ड, क्लास होगी कब? एट 9:30 PM। सिंपल, ठीक है, तो जब भी टाइम की बात आए ऐड लगा दो। ऐड का एक इस्तेमाल है, ऐड का एक इस्तेमाल है। जब अब आगे मैं ऐड का एक और इस्तेमाल आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझें आप। अब जो है ना वो आगे इन और ऐड का मैं फ़र्क बताता हूँ, इन और ऐड का फ़र्क, इन और ऐड का फ़र्क। अब देसी कॉन्सेप्ट है, देसी कॉन्सेप्ट। आप इस टाइम घर में बैठे हुए, घर चारों तरफ से कवर है, मैं भी घर में बैठा हूँ, घर चारों तरफ से कवर है, ठीक है। आप खड़े हैं सड़क पर, सड़क की तो भाई कोई दरो दीवार नहीं है, सड़क तो भाई ओपन चीज़ है, सड़क तो ओपन होती है, तो क्या करें? सड़क ओपन है, कॉन्सेप्ट सुनेगा, देसी कॉन्सेप्ट है। ऐसी लोकेशन जो कवर होती हैं, जो कवर होती हैं, जिस तरह घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कवर लोकेशन के लिए गाड़ी, गाड़ी कवर होती है, कवर लोकेशन में आप बैठे हैं, कवर लोकेशन के लिए आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ओपन लोकेशन है भाई, ओपन लोकेशन कौन सी है? आप सड़क पे खड़े हैं, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप रोड पे खड़े हैं, जो भी खुली जगह हो क्या लगा दो वहाँ पर? वहाँ पर लगा दो इन। खुली जगहों के लिए नहीं, ऐट, खुली जगहों के लिए ऐट लगाना है, और बंद कवर जगहों के लिए क्या लगाना है? इन लगाना है। मिसाल लेते हैं जी, अब सर मेरे को मिसाल दें, मिसाल ये है जी, I am in school, मैं स्कूल में हूँ, I am in school, मैं स्कूल में हूँ जी, ठीक है जी, स्कूल तो कवर होता है। I am in hospital, मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल भी कवर होता है। अच्छा जी, I am at Punjab, मैं पंजाब में हूँ। अब देखें, इसमें इन भी लग जाएगा, इसमें ऐड भी लग जाएगा, लेकिन मैं बताऊं कि प्रेपोजिशन अगर आपने स्पेसिफिकली पढ़नी है तो फिर यहाँ पे आप ऐड ही लगाएं, क्योंकि पंजाब तो कवर नहीं है, पंजाब तो दरो दीवार नहीं है इसकी, ठीक है। देखिए, कोई एक प्रेपोजिशन दूसरी जगह इस्तेमाल होती आएंगी, जिस तरह के माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, ये भी ठीक है, माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, ये भी ठीक है, नियर लगाओ या बाय लगाओ एक ही चीज़ है।
मैं बताऊँ आपको प्रेपोजिशन ए की दूसरी जगह दूसरी पहली जगह इस्तेमाल होती रहती हैं, मैं डिफरेंस बताऊँगा साथ साथ आपको, ठीक है। तो अपने परेशानी होना, इन बातों पर इन भी लग जाता है, बातों जगहों पर ऐड भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, इसको आपने समझना है। खुली जगहों के लिए क्या लगाना है आपने ऐड, बंद जगहों के लिए क्या लगाना है इन। लेकिन अब पाकिस्तान भी तो खुली जगह है, लेकिन कंट्रीज़ के लिए आपने इन ही लगाना है, कंट्रीज़ के लिए इन ही, कंट्रीज़ को एक्सेप्शन है, हर खुली जगह के लिए आपने ऐड लगाना है। लेकिन जब कंट्रीज़ की बात आएगी, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कंट्रीज़ के लिए इन ही लगाना है, कंट्रीज़ के लिए इन ही लगाना है, कंट्रीज़ के लिए इन ही लगाना है, बाकी जो भी खुली जगह हो ऐड लगा दो, ठीक है जी। अब मैंने कुछ मिसालें आपसे पढ़ूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसके आपने आंसर बताने हैं। मिसाल के तो मिसाल लेते हैं जी, माई क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। अब मंडे डे है, डेट नहीं है, डे और डेट का क्या लगाते हैं आप कमेंट करें, कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आप नीचे आपने ऑप्शन देनी है। वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वोन वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया कब, डैश 1992 साल है, साल साल क्या लगता है आपने आपको बताया था। माय टीचर सेड आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा डैश 3 o'clock, अब 3 o'clock टाइम है, क्या लगेगा आपने देखना। स्कूल विल बी रिमेन क्लोज, स्कूल बंद हो जाएगा कब जी, डैश संडे, संडे को तो डैश संडे डे है, क्या लगेगा सार डैश में। द प्ले विल बी स्टार्टेड डैश 5:30 PM, ये सेकेंड लास्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा एट 5:30 PM। माई फादर इज़ गोइंग टू डैश कम 3rd June, थर्ड भी है और जून भी है, थर्ड क्या है डेट है, जून क्या है मंथ है, इन और वो दोनों इकट्ठे आ गए तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। अब मैं इसके आंसर बताता हूँ, आंसर क्या है। माई क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप वोन वर्ल्ड कप इन 1992, आई विल सी यू एट 3 o'clock, आई वॉन्ट टू स्टार्ट प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम इन मार्च, स्कूल विल बी रिमेन क्लोज ऑन संडे, प्ले विल बी स्टार्ट एट 5:30 PM, माई फादर इज गोइंग टू कम ऑन 3rd June। अच्छा जी आगे है जी विद, एक और एग्जाम्पल है, वी मीट डैश द गुलबर्ग, जो जगह हो ना स्पेसिफिकली, मैं कहता हूँ जी फलां जगह मिलूंगा मैं आपको, कहाँ मिलूंगा गुलबर्ग मिलूंगा, मैं कहाँ मिलूंगा आपको, मैं सदर मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा आपको मैं ठोकर पर मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा आपको मैं आपको धर्मपुरा मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा आपको मैं मुगलपुरा मिलूंगा, ये जो मैं कहाँ मिलेंगे हम कैफे मिलेंगे, ये जो खास मैं कोई लोकेशन बता देना, जगह जगह मिलना है भाई, आज जगह मिलना है, ठीक है। जो आपको कोई खास लोकेशन बताइए तब भी आपने क्या लगाना है, आपने ऐड लगाना है, खुली के लिए ऐड लगाओ, कोई खास लोकेशन आपको बता दिया तभी ऐड लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी मीट डैश द गुलबर्ग, गुलबर्ग की लोकेशन है एट द गुलबर्ग। द बसेज आर कमिंग, बसेज आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, डैश द बस स्टॉप, बस स्टॉप तो खुली जगह है भाई, क्या आएगा, द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप। शी इज सिटिंग डैश द कार, वो कार में बैठी है, कार तो कवर होती है, इन द कार। आई एम डैश द स्कूल, स्कूल तो कवर होता है, आई एम इन द स्कूल। ये था जी, आगे पढ़ देते हैं विद, विद की तो सिंपल सी है भाई, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, साथ होता है ना उर्दू में कहते हैं हम साथ, इसकी ट्रांसलेशन है विद, विद भी प्रेपोजिशन है, लेकिन आप लगाते इसकी कोई फिलोसफी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मैंने ये काम किया फलां के साथ, आई रोटा लेटर, मैंने खत लिखा किसके साथ, पेन के साथ, आई एम रोटा लेटर विद पेन, पेन के साथ, यानी कि जहाँ साथ हैं इसके लिए विद लगाइए। आई दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, नहीं फॉर यू नहीं, ये तो फोर को मैं अलग समझाऊँगा, विद की ओर लेते हैं जी। ही किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया, किसके साथ, विद गन, गन के साथ, विद तो एक सिंपल सी है। अब तक ये जो लेक्चर था ये लेक्चर वन था, मुझे लग रहा है अगले 5 लेक्चर प्रेपोजिशन के ऊपर ही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे, ये लेक्चर 5 था, नेक्स्ट के लिए मिलते हैं, अब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मालीना, थैंक यू।